सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो, यही है परिजात बिल्डिंग यानी टावर घर। तो मुकेश खन्ना जी ना यहीं पर वो रहते हैं, तीसरे महले पर वो रहते हैं। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप के सब अच्छे ही होंगे। सो गाइस, अभी का सीन ऐसा है कि अभी हम आ गए मरीन ड्राइव और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं महाभारत के भीष्म पितामह जी का घर दिखाने वाले हैं, यानी मुकेश खन्ना जी का घर दिखाने वाले हैं। सो गाइस, टीवी सीरियल शक्तिमान तो कोई नहीं भूल सकता गाइस, और शक्तिमान जो सीरियल था मुकेश खन्ना जी ने अपना वो रोल अदा किया था और बहुत ही फेमस धारावाहिक था शक्तिमान। तो गाइस, इस वीडियो में जो ना आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हम मुकेश खन्ना जी के बायोग्राफी के बारे में बताने वाले हैं, उनके बारे में अच्छी तरह से बताने वाले हैं। तो गाइस, इस वीडियो में जो आप लास्ट तक बने रहिएगा, और पूरा एड्रेस के साथ में हम आपको दिखाने वाले हैं कि मुकेश खन्ना जी का घर कहाँ पर है। तो चलिए गाइस, वीडियो एकदम स्टार्ट। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं मुकेश खन्ना सर जो ना यहीं पर रहते हैं, ये बिल्डिंग है। यहाँ पे बिल्डिंग का नाम देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ परिजात लिखा हुआ है, और यहाँ का लोकेशन देख सकते हैं भाई साहब कुछ इस प्रकार है, और ये मरीन ड्राइव में पड़ता है, और इसके आगे जो है ना समुद्र है। तो देख सकते हैं गाइस, बिल्डिंग कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो चलिए गाइस, मैं आपको मुकेश खन्ना के बारे में बता देते हैं, इनके बायोग्राफी के बारे में अच्छी तरह से बता देते हैं आपको। मुकेश खन्ना इसी बिल्डिंग में तीसरे फ्लोर पे वह रहते हैं। सो गाइस, मैं आपको बता दें कि मुकेश खन्ना का जन्म सन 1958 को मुंबई में हुआ था। मुकेश खन्ना एक भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेता हैं, जिन्हें बीआर चोपड़ा के महाकाव्य टेलीविजन धारावाहिक महाभारत में भीष्म पितामह का किरदार निभाए और भारत को पहला छोटे पर्दे का सुपर हीरो शक्तिमान देने के लिए जाना जाता है। तो गाइस, मैं आपको बता दें कि महाभारत सन 1988 में अपनी शुरुआत करने के बाद वह भारत में सबसे लोकप्रिय टेलीविजन अभिनेताओं में से एक बन गए हैं। सो गाइस, हम आपको बता दें कि शक्तिमान सीरियल में जो भूमिका निभाई थी मुकेश खन्ना जी थे। शक्तिमान शो मुकेश खन्ना द्वारा निर्मित की, जो सन 1997 से 2005 तक डीडी नेशनल पर प्रसारित हुआ। यह भारत में सबसे लोकप्रिय और सबसे लंबे समय तक चलने वाले टेलीविजन के श्रृंखला में से एक थी। सो गाइस, मैं आपको बता दें कि शक्तिमान के अलावा मुकेश खन्ना कई अन्य लोकप्रिय टेलीविजन परियोजनाओं में भी दिखाई दिए हैं, जैसे कि चंद्रकांता 1994-1997, जिसमें उन्होंने जावाज मेघवत की भूमिका निभाई, और आर्यमान ब्रह्मांड का योद्धा 2002-2003, जिसमें उन्होंने आर्यमान ओजवान की भूमिका निभाई थी। सो गाइस, इसी घर में जो ना मुकेश खन्ना जी तीसरे फ्लोर पर वह रहते हैं। तो ये यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं गाइस, कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। मुकेश खन्ना सर जो ना अभी तक वह शादी नहीं किए, इसी घर में वो परिजात, इस घर का नाम है, इसी घर में वह रहते हैं। सो गाइस, मैं आपको बता दें कि मुकेश खन्ना की पहली फिल्म रूही थी, जो कि सन 1981 में आई थी। मुकेश खन्ना की फिल्में कुछ इस प्रकार है। सौदागर 1951 में आई थी, जिसमें मुकेश खन्ना ने गगन की भूमिका निभाई। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी 1995 में आई थी। बरसात 1995 में, राजा 1995 में, हेरा फेरी 2000 में आई थी। तो गाइज, मुकेश खन्ना की फिल्में कुछ इस प्रकार थी, और मुकेश खन्ना सर जो है ना इसी घर में वो अभी भी रहते हैं। तो यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है, और इस घर का नाम देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है परिजात। सो गाइज, अगर आप मुकेश खन्ना जी के घर पर अगर आप आना चाहते हो, तो यहाँ का एड्रेस मैं आपको बता दूँ, परिजात 95 मरीन ड्राइव मुंबई। तो यहाँ का एड्रेस है गाइज, आप यहाँ पे आ सकते हो और मुकेश खन्ना जी का घर देख सकते हो। उनका घर जो है कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, देख सकते हैं कितना प्यारा घर है, और यहाँ सामने देख सकते हैं रोड है, इसी घर में मुकेश खन्ना जी रहते हैं। सो गाइज, जैसे कि आप देख पा रहे हो, यही है परिजात बिल्डिंग यानी टावर घर। तो मुकेश खन्ना जी ना यहीं पर वो रहते हैं, तीसरे महले पर वो रहते हैं, और यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं गाइस, कुछ इस प्रकार है। और यहाँ पास में जो है ना देख सकते हैं, यहाँ पे सो गाइस देख सकते हैं, ये वानखेड़े स्टेडियम है। यहाँ देख सकते हैं लाइटिंग वगैरह लगा हुआ है, और जस्ट यहाँ पास में ही है मुकेश खन्ना जी का घर, ये परिजात है, देख सकते हैं गाइस, ये इनका घर जो है ना कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ का, देख सकते हैं। सो गाइस, अभी आपने देखा मुकेश खन्ना जी का घर टीवी सीरियल में, जो अपना रोल अदा किए थे शक्तिमान का, और महाभारत में जिन्होंने अपना रोल अदा किया था भीष्म पितामह जी का।
सो गाइज आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइज अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए और घंटे को भी गाइज ऑल कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो गाइज अगर आप हमसे बात करना चाहते हो तो ये दिख रहा है मेरा इंस्टाग्राम आईडी makhanji999 करके मेरा आईडी है, यहाँ पर आप फॉलो करके आप हमसे बात कर सकते हो। सो गाइज आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही और बहुत जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।